हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंडी रिएक्शन। और आज हम देखेंगे एक और ट्रेलर। तो आज जिस मूवी का ट्रेलर देखें, दैट इज बिंबिसारा ट्रेलर। ये एक नया ट्रेलर आया है किसी नई मूवी का, और इसमें क्या है ये मैं वीडियो देखकर ही पता चलेगा। सो लेट्स सी दिस ट्रेलर और फिर इस पर बात करते हैं। मन वेकर चलतना नाना ओके लैंग्वेज महाचक्रवर्ती बिंबिसारुडु एलिन राज्यानिकी రాక్షసులరు గని రావణ రూపం శత్రువులు గెలవలేని కురుక్షేత్ర యుద్ధం దిగర్శన సామ్రాజ్యాధిపతి బింబిసారుడి విశ్వరూపం బింబిసారుడంటేనే మరణ శాసనం ఇక్కడ రాక్షసుడైనా భగవంతుడైనా ఈ బింబిసారుడు ఒక్కడే ఈ ప్రపంచమంతా నా కాలి కింద చెప్పులా ఉండాలనేది మా నాన్న కల బింబిసారుడే వస్తాడు వాడే అనిధిని తెలుస్తాడు ఆ కాలమే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య మారది గ్రహగతులు తలదన్ని కాలచక్రాన్ని అధిగమించి ఉత్పన్న వేగంతో బింబిసారుడి పాదం ఈ నేలని తాకబోతోంది శాస్త్రి పట్టుమని 100 మంది కూడా లేరు ఓ యుద్ధం మీద పడితే ఎలా ఉంటుందో చూస్తారు కానీ ఇప్పుడొచ్చే గండాన్ని ఎవ్వరు తప్పించలేరు ఎవడ్రా నిన్ను పంపిందని పైనున్న ఆ యముడు అడిగితే చెప్పు కిందొకడున్నాడు వాడి పేరు బింబి త్రికర్తల సామ్రాజ్యాధిపతి బింబిసారుడు అని చెప్పు भाई। इतना कुछ है इस मूवी में। पहले तो फुल ऑन एक्शन और बहुत ही हैवी किस्म का एक्शन। जब स्टार्ट हुई है ना ये ट्रेलर, जैसे वो फाइटिंग सीन दिखाया तो उससे मुझे वो बाहुबली वाली फीलिंग्स आई हैं कि कुछ उस टाइप की मूवी है। लेकिन उसके बाद एम्पायर दिखाया गया है, ग्रेटनेस और फिर एंशियंट पावर, वो सारा दिखाया गया। बट उसके बाद ये स्विच हुई है मॉडर्न डेज पे, वो जैसे डॉक्टर वाला सीन और फिर वो मॉडर्न डेज पे, एंड देन वो जो एक उसमें एक स्केल्टन वाले एक दो सीन आए थे। तो ये इसका मतलब ये है कि कुछ एंशियंट हिस्ट्री और एंशियंट पावर्स को, या एंशियंट एक बहुत बड़ा जो पावर बेस थी या कोई करेक्टर था बहुत पावरफुल, उसको लिंक किया है मॉडर्न डे के साथ। जैसे कि समझ लें कि एक अब मुझे क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आई तो मैं विजुअल्स से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मूवी में क्या होगा। बट क्योंकि लैंग्वेज आई डोंट नो ये मराठी थी या कौन सी लैंग्वेज थी, क्योंकि मुझे अब वो पहले हम कुछ कुछ जुबानों को ना सुन के आइडिया हो जाता था कि हाँ ये वाली है। अब क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया तो अब दोबारा वो सारा जो ना एक्सेंट वगैरह भूल गए, तो ये लैंग्वेज कौन सी थी ये तो मुझे समझ नहीं आई। बट विजुअल से देख के एक ओल्ड डायनेस्टी को लिंक किया गया मॉडर्न डे से, कि ठीक है उस डायनेस्टी से एक बंदा जिसके अंदर सेम वही वाली पावर, वही आत्माएँ और वही सारी वही ब्लड रन कर रहा है, तो उस ब्लड का एक जो बंदा है वो हमारा मेन हीरो है इस मूवी में। एंड देन उसको हर जगह पे उसके साथ लिंक किया हुआ था। एंड प्लस वो जो स्केल्टन वाला सीन था ना, इसका मतलब है कि देर इज़ सम ट्विस्ट, मतलब ये कोई ब्लैक पावर्स का कोई लिंक है या किस तरह से है, वो थोड़ा सा मेरे लिए एक कन्फ्यूजिंग था। बट एक्शन बहुत हैवी किस्म का है, और मैं देख रहा हूँ ये बाहुबली हो जाए या इस तरह की और मूवीज़ जो आई हैं ये साउथ सिनेमा की, ये भी मुझे वही लग रही है। तो वो एक्शन एक ऐसा होता है कि भाई वो हिला देखता है एक दफ़ा, तो ये भी बड़ा हैवी किस्म की एक्शन वाली मूवी मुझे लग रही है जो हिला देगी एक दफ़ा। सो
काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे ट्रेलर देख के, एंड आई होप कि इसका डब वर्जन भी आए और वो हम देखें ट्रेलर आगे जो मूवी का, वो तो आई थिंक आएगा, इनके हिंदी में भी आते हैं जो कि हमें बेहतर समझ आ सकते हैं, बट ये मैं स्टोरी को जिसको ट्रेलर को देख के कुछ समझ पाया हूँ। बाकी ये इस ट्रेलर के अंदर तो एंशियंट वो एक स्टोरी से लिंक किया हुआ था, बट अभी मैं देख रहा हूँ रिसेंटली कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं जो एग्जिस्टिंग करेक्टर्स को लेके, जो हिस्टोरिक करेक्टर्स हैं उनको लेके बनाई जा रही हैं। तो एक मेरे जहन में ये भी डाउट आ रहा है कि देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कोई एंशियंट करेक्टर हिस्ट्री का वाकई में हो जिसको रिडिफाइन किया गया हो, एंड देन उसके अंदर को थोड़ा बहुत उसको ना ऐड कर करके थोड़ा सा मतलब कह लें कि स्टोरी को और ज़्यादा एक्साइटिंग या मूवी टाइप बना के, तो वो उसको रिडिफाइन या कह लें कि दोबारा से उसको स्टोरी को फिल्म में कन्वर्ट किया जाता है एक स्टोरी को। तो ये क्या उस तरह का कोई सिनेरियो भी हो सकता है? खैर पहले तो ये मुझे बताएं कि भाई ये लैंग्वेज कौन सी है, और फिर इस स्टोरी के बारे में अगर मैं कुछ विजुअल से कुछ समझ पाया हूँ या नहीं समझ पाया, और बाकी आई होप कि इसका हिंदी वर्जन भी आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो कौन सी देखूँ ये भी कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब भी कर लो यार। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।